दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पहला ही मुकाबला एक थ्रिलिंग एक नेल बाइटिंग बनाकर और सबसे इम्पॉर्टेंट है जीत दर्ज कराकर अपने फैंस को मज़े करा दिए हैं। बट इस मज़े के बीच दोस्तों हमें नहीं भूलना चाहिए सभी प्लेयर्स की जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी और कुछ प्लेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा महंगे गए हैं खासतौर पर बॉलिंग के अंदर। बट ये सब दोस्तों एक मैच का डिपार्टमेंट था, अब इसको थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। अब जितना भी फोकस करना है वो मैनेजमेंट अपने आप इन प्लेयर्स पर कर लेगी। हम अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं बट उससे पहले दोस्तों आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। नीतीश राणा ने एक कैच अटैम्प्ट किया था उसके बाद उनको इंजरी हुई थी, नीतीश राणा की फिंगर में चोट लगी थी उसके बाद वो तुरंत बाहर भी चले गए थे। तो क्या है नीतीश राणा की इंजरी के ऊपर अपडेट, क्या वो यहां पर शुरुआती मुकाबले जैसे कि अगले जो प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं क्या वो मिस करने वाले हैं? क्योंकि मुकाबला तो मिस नहीं करने वाले हैं, इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी उनको नहीं हुई है। तो यहां पर नीतीश राणा की अगर बात करें ना तो वो फिट एंड फाइन है दोस्तों, उनको कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई है। एक थोड़ा बहुत यहां पर कैच लेते हुए उनकी फिंगर के अंदर पेन हुआ था बट वो यहां पर दोस्तों रिसेंटली इंस्टेंटली सब कुछ सेफ हो गया था। तो हम ये बिलीव है कि नीतीश राणा जो कि बैटिंग में फ्लॉप रहे पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में क्योंकि उनको आरसीबी भी काफी पसंद आती है तो आरसीबी के अगेंस्ट वो काफी अच्छी यहां पर बैटिंग फील्डिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा सके। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस सीजन नीतीश राणा कितने रन बना पाएंगे टीम केकेआर के लिए।